कि जिन शिक्षकों की लड़ाई के लिए हम लोग सरकार से आमने सामने हैं, इन्हीं में से कुछ चंद जिन्हें गद्दार कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। आप तो गद्दार की सूची में खड़े ही हो गए हैं, अभी भी आपके पास एक मौका है, आप फार्म का हार्ड कॉपी नहीं जमा करें। तो इस वीडियो का पूरा अंश देखने के लिए चैनल पर बने रहें। उससे पहले आपको बता दें कि जयंत सिंह अभी लाइव अपडेट आकर बोले कि जो शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उनके लिए भी एक अंतिम मौका है, अभी भी वह हार्ड कॉपी अपने कार्यालय में जमा नहीं करें ताकि आवेदन पूर्ण न हो और शिक्षक अपना यह लड़ाई जीत सके उसी के बदौलत। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जयंत सिंह लाइव अपडेट में। तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से पहले बिहार के शिक्षक साथियों का कहना था कि हजार संगठन बन गया है और सभी संगठन अलग अलग राजनीति कर रहे हैं जिससे शिक्षक आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। लेकिन आज जब शिक्षकों पर विषम परिस्थिति आ गई है और इस विषम परिस्थिति में बिहार के हम तमाम संगठन हाथ से हाथ मिलाकर सरकार के आमने सामने खड़े हैं, तो दुख व्यक्त करते हुए कहना है कि ऐसी परिस्थिति में छिटपुट खबरें आ रही है कि जिन शिक्षकों की लड़ाई के लिए हम लोग सरकार से आमने सामने हैं, इन्हीं में से कुछ चंद जिन्हें गद्दार कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। गद्दार लोग सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग हनुमान जी नहीं है कि सीना चीड़ के दिखा दे अपना कि देखिए हमारे सीने में राम और सिया का वास है। हम लोग स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में बता रहे हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, गारंटी दे रहे हैं कि नौकरी नहीं जाएगी। फिर भी शिक्षकों में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। जो लोग फार्म भर रहे हैं, खुद तो फार्म भर रहे हैं, दूसरे लोग को भी भटका रहे हैं। बताइए, इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए आप तमाम साथी हिम्मत, धैर्य और साहस बनाए रखें। मैं आज भी कह रहा हूं गारंटी के साथ कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि हमारी नौकरी ले ले, 60 साल की नौकरी है हमारी। क्यों घबरा रहे हो भाई? हम लोग किसी होटल के नौकर नहीं है, किसी फैक्ट्री के वर्कर नहीं है, बल्कि हम लोग ऐसे फैक्ट्री के वर्कर हैं जहां हम लोग आदमी बनाते हैं, जहां अधिकारी पैदा करते हैं, उस फैक्ट्री के वर्कर है हम लोग। हम लोग शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। इसलिए अब तमाम साथी जो अभी भी फॉर्म भर रहे हैं या दूसरे को भड़का रहे हैं, आप तो गद्दार की सूची में खड़े ही हो गए हैं, अभी भी आपके पास एक मौका है, आप फार्म का हार्ड कॉपी नहीं जमा करें, कार्यालय में जमा नहीं करें, आप आंदोलन की श्रेणी में खड़ा हो जाएं। जरा सोचिए कि हम संगठन के नेता किस मिट्टी के बने हुए भाई, कि एक तरफ हम लोग सरकार से आमने सामने लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ समझाना पड़ रहा है फोन करके, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसी को समझाना पड़ रहा है कि फॉर्म मत भरिए, फॉर्म मत भरिए। आज अगर एक भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हुए होता अभी तक, तो आंदोलन का कोई जरूरत ही नहीं होती, सरकार खुद बैकफुट पे चली जाती। बिल्कुल आज भी सरकार बैकफुट पे है, जितने क्रांतिकारी साथी अभी तक अड़े हुए हैं फॉर्म नहीं भरने पे, सरकार चिंता में है, सरकार चिंतित है, व्यक्त कर रही सरकार कि आखिर शिक्षक फार्म कैसे भरेगा। तरह तरह की सगुफा छोड़ा जा रहा है, डेट बढ़ाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है, है वे सभी लोग जान रहे हैं इस चीज को। इसलिए आप तमाम साथियों से कहना है कि जरा सा भी आप नर्वस नहीं हो। जरा सोचिए कौन सी नौकरी, ये नया फॉर्म भर करके, सक्षमता का फॉर्म भर करके आप कौन सी नई नौकरी में जाने का कोशिश कर रहे हैं भाई? हमारी पुरानी मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, मतलब समान काम का समान वेतन।
आज आप नहीं जा रहे हैं साजिश के तहत सरकार के जो अधिकारी हैं चहेते उनकी एक ही सोच है कि किसी हाल में चाहे जैसे परीक्षा में बैठे टेल ढकेल के परीक्षा में बैठा दो, एक राजकर्मी का धब्बा लगा दो, सिर्फ धब्बा, उसका कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ धब्बा लगेगा, क्योंकि अधिकारी इनके बेचैन हैं। आप नियोजन इकाई में हैं तो इनको आप पर कार्रवाई नहीं करने बन रही है, ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से राजकर्मी में धकेल दो और फिर एक एक शिक्षकों पर अपने शिक्षा विभाग के आला अधिकारी से दिन रात कार्रवाई करवाना शुरू कर दो। ये राजकर्मी का दर्जा नहीं है, ये कार्रवाई कर्मी का दर्जा दे जा रहा है, कार्रवाई कर्मी का दर्जा है ये। आप कार्रवाई कर्मी बन जाएंगे, आप कार्रवाई करने के लिए अधिकारी बेचैन है, राजकर्मी के लिए आप ये व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए साथी जरा से भी आप हिम्मत नहीं खोएं। कौन सा राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है भाई? परीक्षा देने के बाद सक्षमता परीक्षा देंगे, ऑनलाइन परीक्षा देंगे, यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हम लोग परीक्षा दे चुके हैं, दक्षता और पात्रता। उस समय भी नीतीश कुमार बोले थे दक्षता परीक्षा के टाइम में कि आप लोग दक्षता दीजिए, दक्ष हो जाएंगे, फिर आने वाली सारी सुविधाएं देंगे आपको। तो मतलब फिर कौन सा परीक्षा सक्षमता आ गया? अब ये भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ही नाम से क्या मिल रहा है? नाम भी नहीं मिल रहा है। बीपीएससी वाले को नाम दे दिया अध्यापक, हमको शिक्षा मित्र से पंचायत प्रखंड करते करते अब नया नाम दे रहा है विशिष्ट शिक्षक। मतलब आने वाले दिन में यही बीपीएससी वाले शिक्षक से कहलाएगा सर, कहलाएगी सरकार कि इन लोग को तो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिया है, इन लोग विशिष्ट शिक्षक वाला है। किसके लिए तो उतावला हो भाई, फॉर्म जो भर रहे हैं किसके लिए उतावला है? यही धब्बा लेने के लिए? अरे यार कलंकित मत कीजिए, लड़ाई मोड़ पर है, जीत के कगार पे खड़े हैं। तमाम संगठनकर्ताओं की नींद और चैन उड़ी हुई है, बहुत अफसोस के साथ इतना आवेश में बोलना पड़ रहा है। साथियों हिम्मत रखो, आप हिम्मत मत हारिए, दूसरे को भड़काइए मत। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर गद्दारों की सूची से बचना चाहते हैं तो आप फॉर्म नहीं भरे, भर भी दिए हैं उसकी हार्ड कॉपी को नहीं जमा करें। यह हक की लड़ाई है, हम सबों की लड़ाई है। क्या करेंगे नेता लोग जब सभी शिक्षक फॉर्म भर ही देंगे? तो नेता लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग सभी शिक्षक के घर पे बैठ के दरवाजे पर उनको टेकने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे? राजकर्मी का दर्जा, राजकर्मी का दर्जा, कौन सा राजकर्मी भाई दर्जा? तीन जिला भेजने का ऑप्शन, तीन जिला में कहीं भेज देगा आपको, जबकि ऐतिहासिक बात है कि शिष्यों का स्थानांतरण जो है वह ऐच्छिक स्थानांतरण है। हमको ऐच्छिक स्थानांतरण दो, हमको समान काम का समान वेतन दो, तो सक्षमता दो, तीन जिला का ऑप्शन देंगे, किसी चौथे जिला में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका वेतन पहले जितना मिल रहा है उसे वेतन नीचे आ जाएगा। हम और आप प्रधानाध्यापक की सूची में आ रहे हैं, वह समय आ गया है, प्रमोशन का समय सरकार आज तक नहीं दी। अब जान रहा है कि इन लोग प्रमोशन के लिए लड़ेगा, कोर्ट जाएगा, इन लोग प्रधानाध्यापक का कागार पाएगा। जितने पुराने वाले शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2015 16 18 20 22 तक जितने शिक्षक हैं सबका वेतन साल दो साल में 75-80 के कगार पे पहुंचने वाला है, प्रमोशन और प्रधानाध्यापक के माध्यम से। तो सरकार चाह रही है कि इन लोगों को फिर से पुनः मुसिको भव फिर से नीचे ले आओ 34,000 और 35,000 पर। क्या इसी के लिए सक्षमता देना चाहते हैं आप? हम लोग कभी सरकार की सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं किए हैं, हम लोग सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। इसलिए तमाम साथी धैर्य रखे, हिम्मत रखे, साहस रखे। उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से वार्ता हुई है, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, सर पे लोकसभा का चुनाव है, इसमें अपनी एकता की ताकत को दिखाइए, कितना आपके पास एकता हो, कितना आपके दमखम है। आप याद रखिए, कसम खा लीजिए, शपथ खा लीजिए, एग्जाम जब जिस तरह से हमको परेशान किया जा रहा है, जब भी चुनाव आने वाला है, सर पे चुनाव आ रहा है, हम भी जात पात से ऊपर उठ जाएंगे, कोई जाति नहीं चाहिए, हमारी जाति एक ही है शिक्षक। यदि उस समय अगर कोई शिक्षक जात के नाम पे जाता है, राजपूत के नाम पर जाता है, यादव के नाम पर जाता है, भूमिहार के नाम पर जाता है, अन्य जाति के नाम पर जाता है, तो हमसे ज्यादा धरती पे चूतिया कोई नहीं होगा। इसलिए तमाम साथी एकता और साहस को बनाए रखें।
तो अभी आप सुन रहे थे लाइव अपडेट में जयंत कुमार सिंह को। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर शिक्षक आवेदन कर चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं, तो वैसे शिक्षकों के लिए भी एक आखिरी मौका है। वह अपना हार्ड कॉपी किसी भी कीमत में अपने कार्यालय में जमा नहीं करें। जब तक ले हार्ड कॉपी नहीं जमा होगा, तब तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि लगातार सभी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि लाइव आकर यह बता रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में शिक्षक अपना आवेदन नहीं करें, क्योंकि सरकार बैकफुट पर आ गई है और 24 घंटे का मोहलत दिया गया है। सरकार को जल्द ही इसका सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद है, तो क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से वार्ता भी हो गई है। तो आप सोमवार तक इंतजार करें, सोमवार को निर्णय अगर नहीं आता है तो फिर से एक नया रणनीति तैयार होगा और फिर से होगा बड़ा आंदोलन। किसी की नौकरी जाने वाली नहीं है, इसलिए आवेदन करने में जल्दीबाजी नहीं करें। आवेदन करने की क्या आवश्यकता है? तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।